हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। आपको पता है हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का, वो लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आज उसी कड़ी में इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछले लेक्चर तक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब डिस्कस कर लिया था, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी जो है शुरू कर दीजिए देखना। तो देखो एनसीईआरटी का है ये मेरे पास प्रदीप की बुक है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं उस क्वेश्चन को वैसे सोल्व करा सकूं, तो मैं क्वेश्चन इसी में से रीड करके आपको जो है सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2.10, इसमें देखो आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का 750 mmHg पर 99.63 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच सुक्रोज इज एडिड टू 5000 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपसे ये पूछ रहा है कि कितना सुक्रोज आप 500 ग्राम वाट पानी में मिलाएंगे, जिससे कि वो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना शुरू कर देगा। चलिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसमें गिवन है 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं करना। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.10, सही है। इसमें आपको जो ये है एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि इसमें केएफ की वैल्यू गिवन है, एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसमें ये जो केबी की वैल्यू गिवन है, आपको केबी की वैल्यू है 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल, केजी पर मोल सॉरी, सही है। इसमें अब आपको गिवन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का, वो आपको गिवन है 99.63। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो इसको क्या लिखेंगे, टी नोट बी 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो है इसमें आपको और क्या गिवन है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आप बोल सकते हैं जो सॉल्वेंट का मास है वो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डब्लू ए गिवन है 500 ग्राम। चलिए, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो आपकी टी बी की वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें आपको ये गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब आपको इसमें कैलकुलेट ये करना है कि सुक्रोज आप इसमें कितना ऐड करेंगे, यानी कि गिवन मास ऑफ सुक्रोज आप ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो चलिए अब डेल्टा टी बी कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है, टी बी माइनस टी नोट बी। तो टी बी की वैल्यू देखिए आप कितनी है, 100, 99.63, तो 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका ये आया है, ये 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका ये आ गया है। अब चलिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो सुक्रोज है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। तो इससे आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, एक कार्बन का 12, ठीक, हाइड्रोजन के हो जाएंगे दो, ये 22, यानी कि एक का 22, एक का 1, तो 22 का 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, इसको सोल्व करेंगे तो 12 144, 22, 16, 11 छीके 66, तो ये आपका 4 और 2 6 और 6 12, 4 और 2 6 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14,
342 ग्राम आपका ये जो आया है मोलर मास आ गया सुक्रोज का। अब हमें डब्लू बी निकालना है, यानी कि सुक्रोज हम कितना ऐड करेंगे वो निकालना है। और इसके बाद इसमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये सब कुछ हमारे पास हो गए हैं। तो देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू, ये जो टी बी की वैल्यू क्या थी, के एफ इंटू एम, एम क्या थी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम लिखेंगे डब्लू बी बाई एम बी थाउजेंड अपॉन डब्लू ए। तो इसमें देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, ये वाला गिवन है, के एफ बी है हमारे पास, एम बी भी है, डब्लू ए भी है। तो डब्लू बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो डब्लू बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्लू ए बाई थाउजेंड। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आई है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी ये रही 0.3 डिग्री सेल्सियस। एम बी की वैल्यू देखिए आप, मेरे को बताइए, ये है ना एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम बी 342 ग्राम, सही है। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए आपका गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, ये सॉरी सोलवेंट है, ये है 5000 ग्राम और 1000। तो यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम में आ जाएगी, वो आपका सुक्रोज का वो अमाउंट है जो आप इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि वो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, सही है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसकी अगर इसमें देखो एक चीज़ हमारी जो छूट गई है वो क्या रह गई है, ये के एफ हो रहा है। तो के एफ की वैल्यू यहाँ पे 0.52, तो ये 122.7 ग्राम आएगा आपका। तो आप इसको ऐसे अप्रोच करना है आपको, जो ये आपको सिर्फ इस टाइप के जो क्वेश्चन है ऐसे ही अप्रोच करने, दोनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी और जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी। नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो जो है रिलेटेड है डेल्टा टी एफ से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इसमें देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6। एस्कोर्बिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O6, सही है, ये है। टू बी डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका जो गिवन वेट है वो दे रखा है, ठीक है, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 105 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ की वैल्यू इसमें गिवन है 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप देखिए जो ये 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड का जो गिवन वेट है वो कितना दे रखा है, 75 ग्राम, यानी कि जो एसिटिक एसिड है सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहा है उसका दे रखा है 75 ग्राम। इसमें आपको जो मास है एस्कोर्बिक एसिड का वो निकालना, गिवन वेट यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालनी, सेम उसी तरीके से। इसमें डब्ल्यू ए 75 ग्राम हो गया गिवन, ठीक है। एम बी डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है, और इसमें और आपको क्या क्या गिवन है, के एफ की वैल्यू है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। एम बी की वैल्यू इसमें आपको एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, ये CH3COOH, 2 कार्बन 12 × 2, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन। तो 12 × 24, 4 × 32, तो 24 × 4 = 28, 28 × 2 = 30, 60 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए इसको, वही फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम की जगह रख देंगे डब्लू बी बाई एम बी थाउजेंड अपॉन डब्लू ए, कैलकुलेट करना है डब्लू बी। तो डेल्टा टी एफ एम बी डब्लू ए
बाई के एफ इंटू ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.5, एम बी कितना है 60, डब्ल्यू ए 75, के एफ 3 point, के एफ की वैल्यू कहाँ पे है 3.9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ग्राम में आएगा, और यही आपका जो क्या पूछा था, इसमें आपको पूछा था मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, तो ये आपका मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड आया। जो आप डिजोल्व करेंगे, ठीक है, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसकी जो वैल्यू आएगी 5.077 ग्राम आएगी, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल, तो इसको ट्राई करते हैं अब हम। चलिए चलिए इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2.18, मैं आपको अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमने कवर कर लिया सिलेबस उसमें से। इसके बाद आप ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। देखो इसमें क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आपको एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मास कैलकुलेट करना है, जिसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि एम बी 40 ग्राम पर मोल, सही है। इसके बाद इसमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यू बी, अच्छा विच शुड बी डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टीन। अब ऑक्टीन है जो आपका, तो मास गिवन मास ऑफ ऑक्टीन, तो ये है आपका 114 ग्राम। चलिए जो कि इसका प्रेशर है वो 80% रिड्यूस होने के बाद बचता है आपका 80%, यानी कि आपको कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हुज मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टीन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर। ठीक है ठीक है, तो आपको ये गिवन है कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका मास 40 ग्राम है, उसको ऑक्टीन में डिजोल्व कर दिया जाता है 114 ग्राम ऑक्टीन में, जिससे कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होने के बाद 80% बच जाता है। तो इस केस में आपको जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मास कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक फॉर्मूला था पी नोट ए पी एस पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये था। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कुछ प्रेशर गिवन था यानी कि रिड्यूस होने के बाद आपका, अब आप एक बात देखो, सोल्यूट सोलवेंट, सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, सही है। तो इसमें आपका जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, वो आपका जो सोलवेंट है उसके प्रेशर के इक्वल होगा, यानी ये होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो आपका कितना है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो आपका है 80%, और ये जो इनिशियल प्रेशर है पीए का ये होगा 100%। इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम। एक्स बी की वैल्यू जो है वो आप रखेंगे, तो एक्स बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई एन ए
एन बी, इसको कर देंगे नेगलेक्ट बी को, तो ये जब फॉर्मूला जो सोल्व करके आएगा डब्लू बी बाई एम बी, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो डब्लू ए बाई एम ए आएगा, तो ये एम ए ऊपर चला जाएगा, एम ए बाई डब्लू ए। तो इसमें देखो, अब इसमें रखो पी नोट ए पी एस, पी नोट ए एक्स बी की जगह डब्लू बी बाई एम बी एम ए बाई डब्लू ए। गिवन क्या क्या है, पी नोट ए अस, ये है आपका पी नोट ए कितना है 80% है सॉल्यूशन का, तो ये 100 में से 80 पी नोट ए कितना है 100। डब्लू बी की वैल्यू आपकी कितनी है, डब्लू बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो ये डब्लू बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि आप इस सारी चीज़ को इधर लेके आ सकते हैं। तो डब्लू बी की वैल्यू कैलकुलेट, एम बी यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर डिवाइड में है, तो यहाँ पे आपका एम ए और ये डब्लू, ये एम बी इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये डब्लू ए जो इधर आके, सही है, इन सभी की वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें, तो ये आपका जो है डब्लू बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें पुट करिए, डब्लू ए की वैल्यू आप कहाँ दे रखी है, ये डब्लू ए है, डब्लू ए की वैल्यू है 114 ग्राम, तो 114। एम बी की वैल्यू, एम बी की वैल्यू जो है मोलर मास गिवन है 40, सही है। एम ए यानी कि मोलर मास है ओक्टेन का, वो मोलर मास भी आपका जो ओक्टेन का मोलर मास होता है ओक्टेन, वो भी 114 ग्राम ही है, तो 114 ग्राम यहाँ पुट करिए, ठीक है, यहाँ यहाँ पुट करेंगे 114 ग्राम, और 100 में से 20/100 इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 × 20/100 आ जाएगा, 20 × 5 = 100 और 5 × 8 = 40, तो 8 ग्राम आ जाएगा, जो आपकी डब्ल्यू बी की वैल्यू है वो 8 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उस पर ये बहुत एक एनसीईआरटी मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जैसे भी आए आपको ऐसे सोल्व करने हैं। दूसरी बात, इसमें अगर किसी का अगर उत्तर 10 ग्राम भी आ रहा है तो वो भी सही है, उसने कैसे किया होगा, उसने यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे ये पी नोट ए की जगह पी एस रख दिया होगा, तो उस केस में आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका नीचे 100 आया है वो आ जाएगा 80, तो 20 यहाँ बस फ़र्क क्या आएगा, 20/80, 4 × 20 = 80, और ये जो देखो ये उसने ऐसे किया होगा, तो यहाँ पे पी एस रखा होगा उसने, तो पी एस मतलब 80, ठीक है, 20 × 80, और यहाँ पे आपका ये 40 था, तो 4 × 2 = 40, तो किसी का 10 ग्राम आ रहा है तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसका सही है, सही है। तो इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या गिवन था, मोलर मास दे रखा था सोल्यूट का 40 ग्राम, डब्लू बी निकालना था यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट निकालना था, मोलर मास है ओक्टेन का 114 ग्राम, ठीक है, गिवन वेट भी 114 ग्राम। चलिए अब हमने ये फॉर्मूला यूज किया, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, इससे देखो ये कहा गया कि आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब ओक्टेन में मिलाते हो तो ओक्टेन का प्रेशर रिड्यूस होने के बाद 80% जो है बच जाता है, यानी पी एस की वैल्यू 80%, ठीक है। और ये जो है ये जो 100% है ये पी नोट ए है, पी ए नहीं, पी नोट ए है 100%। चलिए तो अब इसमें आपको जो है, अब आपका ए जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए के इक्वल होगा। चलिए सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, इससे हमारे दो आंसर आए, 8 ग्राम और 10 ग्राम दोनों सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह से कुछ अप्रोच करना है।